तो देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने मैं क्या शो करने वाला हूँ, जो कि कल मैंने वीडियो भी डाला था वहाँ से, लाइव स्ट्रीमिंग किया था मैंने के स्टेडियम देवघर से, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रभात खबर पेपर में भी दे दिया गया है आपका कि दर्शकों ने तोड़ी कुर्सियाँ, पुलिस के लाठी भाजने पर रोड़ेबाजी हुई के स्टेडियम में भोजपुरी का। कल रात में भी मैंने वीडियो बनाया था और लाइव स्ट्रीमिंग भी वहाँ से किया था, किस तरह से पुलिस वालों द्वारा मारा जा रहा था। और खेसारी लाल यादव तो बस गाना भी कहाँ गए थे, बस आए ही थे लगता है, जस्ट 5 मिनट हुआ होगा, 5 मिनट भी शायद नहीं हुआ होगा और तोड़फोड़ स्टार्ट हो गया था। तो मैंने तो वीडियो भी बनाया था, आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले भी वीडियो मैंने बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वहाँ पर वीडियो कल का, जो कि टोड़ा फोड़ा कैसे वीडियो अंदर स्टेडियम का ही अंदर का है। ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जो कि पुलिस वाले द्वारा कैसे किया गया है। खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी और आए थे रीते, तीन लोगों का प्रोग्राम हो चुका था, रितेश पांडे और आपका दो तीन गायक और थे, क्या नाम था उनका, नाम आशीष मिश्रा या कुछ ऐसे था, रितेश मिश्रा, रितेश पांडे तो आए ही थे, उनका भी हो गया था प्रोग्राम, बस खेसारी लाल यादव आने वाले थे और मनोज तिवारी तो आए नहीं थे, वो तो बाद में आए थे, वो होटल में थे, वो बाद में आए थे। और देख सकते हैं जो कि प्रभात पर पेपर में दे दिया गया है आपका, देवघर का पेपर जो कि है, देवघर प्रभात 7 तारीख का पेपर आपका है आज का, दर्शक देख सकते हैं हंगामा के स्टेडियम में भोजपुरी गायक के द्वारा मनोज तिवारी और खेसारी लाल कार्यक्रम में बवाल, कई जख्मी हो गए हैं। तो कह सकते हैं अब क्या कहा जाए, देखिए अब एक बार आए भी तो इस तरह से हंगामा हो गया, अब क्या हो गया था अंदर में कुछ कुर्सी वर्सी पर बैठने के लिए, शायद अगर पुलिस व्यवस्था ठीक से पहले से ही रहता तो कुछ होता नहीं, लेकिन व्यवस्था ठीक से था नहीं तो क्या किया जाए। अगले बार आए थे 2 साल पहले पवन सिंह, तो उनका उनका व्यवस्था 10 बजे स्टेडियम में आपका, जो कि अगले बार आए थे तो पुलिस व्यवस्था ठीक था, लेकिन इस बार ठीक नहीं था। मैंने भी देखा पहले से ही सभी को तैयार रहना चाहिए, सब बैरियर लगा हुआ रहता है, तो कोई पुलिस वाले सब आराम कर रहे थे, तो उससे क्या होने वाला, कुछ होने जाने वाला थोड़ी है। तो बस एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।